हरियाणा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनों में मूर्त रूप देने की अनेक कोशिशें की हैं, पहल की है। इसी कड़ी में सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और अग्रणी कदम सरकार द्वारा उठाया गया। अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दयालु योजना का शुभारंभ किया है। हरियाणा निवास में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1,80,000 रुपये तक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवहन सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा। ये दयालु योजना जिसमें हम 5 वर्ष से 12 वर्ष तक 1,00,000 रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2,00,000 रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा, इसको इसी ढंग से उल्लेख करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि प्रदेश में चल रही मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। इस न्यास द्वारा 3 योजनाएं शुरू की गई जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रुप सी व डी कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना, छोटे कर्मचारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शामिल है। आने वाले समय का, भविष्य का कुछ भरोसा नहीं होता, उस समय की कोई बात अनहोनी ना हो जाए तो सब मिलकर के कोई ना कोई एक निधि इकट्ठी कर लें और उस निधि के बाद जिसका नुकसान हो उसको वो दे दिया जाए। एक प्रकार का ही सहकारिता का सिस्टम है, कोऑपरेटिव सिस्टम है। इसको बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी, हम कुछ भी कह लें, उस योजना के अलग अलग प्रकार करते हुए हमने एक न्यास बना दिया कि हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा। उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशरीज हैं जिनको लाभ मिलना है उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए, मिली जुली योजनाएं बनाएं। और खास करके ये योजनाएं जो थोड़ा सा अपने व्यापार में या आर्थिक स्थिति के नाते से बड़ों से थोड़ा नीचे हैं, कमजोर हैं, छोटा व्यापारी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थायी दिव्यांगता के मामले में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया और स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने वर्ष 2023-24 के बजट अभिभाषण में हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से अलग अलग बीमा योजनाओं सहित इस योजना का लाभ देने की घोषणा की है। दयालु योजना के तहत अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया जाएगा। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2,00,000 रुपए की राशि भी शामिल होगी। वहीं सीएम खट्टर ने बताया कि PMJJBY और PMSBY के लाभार्थियों जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए तक है उनका प्रीमियम हरियाणा सरकार दे रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।